अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ अलीशा राबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। शख्सियत हिंद के इस प्रोग्राम में आज हिंद के एक और काबिल शख्स का जिक्र है, जिनका नाम है मौलाना मजहरुल हक। आपकी विलादत 22 दिसंबर 1866 को हुई और आपकी वफात 2 जनवरी 1930 को। आप एक माहिर तालिम, एक वकील, आज़ादी के कारकुन और हिंदुस्तानी कौमी तहरीक के आज़ाद पसंदीदा इंसान और शख्स थे। मौलाना मजहरुल हक 22 दिसंबर 1866 को पटना बिहार में पैदा हुए। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम पटना कॉलेज और कैंग कॉलेज लखनऊ से हासिल की और कानूनी तालीम हासिल करने के लिए 1888 में इंग्लैंड चले गए। वहां उनका तारुफ महात्मा गांधी से हुआ, जो जिंदगी भर रहा। उनके फरीदपुर सेवान बिहार में एक मकान बनाया और उसका नाम आशियाना रखा। 18वीं सदी में आशियाना आज़ादी पसंदों का मरकज था और इसके दौरा कई कौम परस्तों ने कहा, जिनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी मौजूद थे। 1891 में वो बैरिस्टर की हैसियत से हिंदुस्तान वापस आने और अदालती खदमात में शमूलियत अख्तियार की। 1896 में उन्होंने बतौर वकील प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। 1906 में उन्होंने छपरा छोड़कर पटना में प्रैक्टिस शुरू की और इसी साल वह बिहार कांग्रेस कमेटी के नायब सदर मुंतखब हुए थे। 1910 से 11 के दरमियान वह हिंदुस्तान के बरतानोई पार्लियामेंट के रुकन के तौर पर मुंतखब हुए। 1911 में मौलाना की सदारत में एक तीसरी बहार असिस्टेंट कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसमें अलाहदा रियासत बिहार के मुतालबे के लिए कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मुआहिदे में अहम किरदार अदा किया। 1916 में और 17 में चंपारण सत्याग्रह में बड़े चढ़कर हिस्सा लिया आपने। महात्मा गांधी की मेहमान नवाजी उनके घर सिकंदर मंजिल पर चंपारण सत्याग्रह के लिए पटना आई। 1919 के दरमियान उन्होंने तहरीक खिलाफत में फाल किरदार अदा किया और 20 में गांधी जी के कॉल पर अदम तआवन की तहरीक में शमूलियत इख्तियार की। 1921 में गांधी जी से मुतासिर हुए और उन्होंने पटना में सगातत आश्रम यानी कि सच्चाई का घर कायम किया। इसी आश्रम से मौलाना ने मादर वतन के नाम से हफ्ता वार रिसाला शुरू किया और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के परोज हामी थे। उनका बयान था कि हम हिंदू हो या मुसलमान, एक ही कश्ती के सवार हैं। अगर हमने काबू पा लिया तो डूबेंगे, मिलकर डूबेंगे। उन्होंने 1926 में फाल सियासत में रिटायरमेंट का ऐलान किया, लेकिन महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद और नेहरू जैसे लीडरों ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा। उनका इंतकाल 2 जनवरी 1930 में हुआ। सेवान में एक रिहायशी कॉलोनी के नाम पर रखी गई है, मौलाना जहीरुल हक कॉलोनी या ज़्यादा मारूफ MM कॉलोनी। 1981 में इंडियन पोस्टल सर्विस की तरफ से उनके एजाज़ में एक डाक टिकट जारी किया गया और 1998 में उनकी याद में पटना में मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी कायम की गई है। शख्सियत हिंद के इस किस्से में सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अगली बार लौटेंगे एक और बेहतरीन हिंद के शख्स की दास्तान के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी का एक खास प्रोग्राम। अल्लाह हाफिज़।